दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। एक और आपकी नोटिफिकेशन आई है जो कि आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपकी ये आई हुई है, जो आपकी मध्य प्रदेश से रहने वाली है। मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट आपकी जबलपुर है। तो इसमें देखते हैं कि आपका कौन सी पोस्ट आई हुई है और इसमें क्या कुछ आपका रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, कितनी पोस्ट है, एक बार विस्तार से इसमें के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम देखते हैं कि जो आपका पोस्ट है वो कौन सी है और कितनी पोस्ट, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट की है, जो कि आपकी लैब के वर्क के लिए है। टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी टोटल पोस्ट 9 रहेंगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 5 पोस्ट इसमें है, एससी कैटेगरी के लिए 1, एसटी कैटेगरी के लिए 2 रहेगी, ओबीसी के लिए आपकी 1 रहेगी। टोटल आपकी 9 पोस्ट रहेंगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए साइंस में और एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इनमें से कोई भी आपकी किसी भी उसमें आपकी ये बैचलर डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई, इंडिया से ये मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसके बाद है सेकंड की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 2 पोस्ट आई हुई हैं, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो 12th क्लास रहेगी आपकी। इसके साथ साथ आपको एक स्टेनो का टेस्ट और देना होगा हिंदी इंग्लिश में। आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, 80 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करने पड़ेंगे। एक आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में। तो भाई ये आपके पास होगा तो आप इसको फेल कर सकते हैं। इसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क की रहेगी आपकी पोस्ट। लोअर डिविजनल क्लर्क में रहेगा आपका टोटल 9 पोस्ट रहेगी। LDC की पोस्ट है, 4 अनरिजर्व कैटेगरी की, 2 SC कैटेगरी के लिए हैं, 2 ST कैटेगरी के लिए और 1 रहेगी आपकी OBC कैटेगरी के लिए। मान्य पर आप बोर्ड से 12वीं की कक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होने चाहिए और 25 पर मिनट हिंदी में होने चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, तो आपका टेक्निकल की पोस्ट रहेगी। 3 टोटल आपकी पोस्ट रहेंगी इसमें और इसमें डिफरेंट डिफरेंट है टेक्निकल्स, जैसे इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बर का, कारपेंटर का, एक एक पोस्ट रहेगी सभी में। ITI पास इसमें होना चाहिए आपको। इसके बाद करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। काफ़ी बच्चों ने मेरे को बोला था कि फॉरेस्ट गार्ड पे कोई वीडियो नहीं आई है काफ़ी दिन से, तो फॉरेस्ट गार्ड की आई हुई है वैकेंसी। 3 वैकेंसी, तीनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगी। मान्यता प्राप्त से कोई भी स्कूल से आपने 12th पास की होनी चाहिए साइंस में। और इसके साथ साथ आपका इसमें टेस्ट रहेगा, फिजिकल का टेस्ट है जो आपका। इसके बाद MTS में वैकेंसी आई हुई है आपकी, 16 वैकेंसी आपके MTS में रहेंगी। जो आपके फिजिकली हैंडीकैप है उनको एक पोस्ट रहेगी उनको छोड़ के, आगे 9 पोस्ट हैं आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 1 SC कैटेगरी के लिए, 1 आपकी ST कैटेगरी के लिए और 4 रहेंगी आपकी OBC कैटेगरी के लिए। इनके अंदर 10th पास बच्चा भर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि और ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, कब से, 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग होगी इनकी डेट, मतलब आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, 9 मार्च तक भर सकते हैं रात के 11:59 तक, 12 बजे तक आप भर सकते हैं। एज लिमिट है आपकी कि टेक्निकल असिस्टेंट में आपकी मैक्सिमम 30 साल की एज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर में 27 साल, LDC में 27 साल, टेक्नीशियन में 30 साल, फॉरेस्ट गार्ड में 27 साल, मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी 27 साल रहेगी। और जो आपको एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के जो रूल रहते हैं उसके हिसाब से SC कैटेगरी के लिए 5, ST के लिए 3 साल, वो सेम ही रहेगी आपको। आवेदन की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इनमें 2 है, एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500+800 रुपए रहेगी। SC ST वूमेन के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए 800 रहेगी।
और भाई ये आपका एक देख लेना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मैंने अपना नंबर कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट का अब एग्ज़ाम है, वो क्या आएगा? एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। 3 घंटे आपका एग्ज़ाम चलेगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का है। अगर 3 आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। सभी में सेम रहेगा भाई, ये सभी पोस्टों के लिए, बस टाइम की रहेगी। जैसे स्टेनोग्राफर में 2 घंटे हो जाएगा, एलडीसी में भी 2 घंटे, टेक्नीशियन में 3 घंटे हो जाएगा दोबारा से, फॉरेस्ट गार्ड में भी 2 घंटे और एमटीएस में भी 2 घंटे रहेंगे। तो भाई ये है कि जो आप लिखित परीक्षा दोगे उसमें कितने आपके नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% आपका क्वालिफिकेशन मार्क रहेंगे। इस बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें, ओबीसी में 45 का रहेगा, एससी एसटी में 40 का रहेगा भाई। इन चीज़ों को ध्यान से देखना भाई। और भाई वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर की पैदल चाल चलनी है। हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना विस्तार के बिना बिना फुलाई आपकी चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर, और विस्तार के साथ 84 सेंटीमीटर होने चाहिए। ऐसे ही महिलाओं की बात करते हैं तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर रहेगा, और उनकी हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने का विस्तार होना चाहिए बिना फुलाए 74 और विस्तार के साथ 79। तो भाई ये थे आपके जो मध्य प्रदेश से आपके फॉर्म आए थे, ये हैं भाई। और इसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट आई हुई हैं, और जिन बच्चे भरना चाह रहे थे जो मध्य प्रदेश से या अदर के भी हैं जो, वो भी भर सकते हैं। तो ये आपका रहने वाला है, इसमें एक बार आप पढ़ लेना, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे लिंक दिया होगा या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। ये आपकी मध्य प्रदेश में जबलपुर से आई हुई है, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही हर लेटेस्ट वीडियो के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।